सर मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ अभी। ये आपने जो क्राइम फ्री भारत का जो ग्रुप बना रखा है, अच्छा इसमें हमारे प्रकाश सेठिया जी हैं हाँ हैदराबाद से, वो हाँ स्वामी गुरुवानंद जी विश्व धर्म चेतना मंच उससे जुड़े हुए हैं, तिरुपति स्वामी गुरुवानंद जी के। जी, वो हमारे भी गुरु हैं, हमने उनसे दीक्षा ली हुई है। तो सर मैं भी उनका परम शिष्य हूँ। हाँ मैं राजस्थान का यहाँ विश्व धर्म चेतना मंच का जयपुर केंद्र का अध्यक्ष हूँ। ओके 2018 से गुरु पूर्णिमा अच्छा पे गुरुदेव ने मेरे को बनाया था। हाँ और बेसिकली मैं जो है, जो अभी आपका मैंने ये 40 मिनट का ऑडियो सुना था, हाँ जो ये कि मैं हमारा जो, डॉक्टर एस डी त्रिपाठी से चर्चा हो रही है। जी हाँ ये जो त्रिपाठी जी से जो चर्चा हुई है ना मोदय, जी ये मैंने जी पूरी 40 मिनट अभी सुनी है आपकी। जी जी तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ सर हाँ कि मैं 2006 से, हाँ हाँ मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स एमफिल है, ओके हाँ प्राइवेट स्कूल से मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी 2001 हाँ से लेके 2005 तक, ओके और 2006 में मैंने जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा तहसील, मेरी जो जन्म स्थली है, हाँ वहां से मैंने एक किराए की बिल्डिंग से कॉलेज शुरू किया था, वाह डिग्री कॉलेज। वाह वाह और उसके बाद जो है मैंने भादरा जो है, भादरा हाँ के अंदर डिग्री कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, फिर नॉर्थ तहसील के अंदर, और इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर 2010 के अंदर जो है वो कोई ऐसी तहसील डिस्ट्रिक्ट नहीं थी जिसमें हमने टेक्निकल एजुकेशन पे काम नहीं किया। अच्छा, और जैसे अपने कहें जो टेक्निकल एजुकेशन पे काम किया है, इसको जी थोड़ा सा खोलेंगे क्या, तो जिससे हम समझ सकें कि आपने टेक्निकल क्या काम एजुकेशन किया, में कैसे काम किया। हमने जो काम किया सर, हमारे यहाँ जो है वो राजस्थान के अंदर 2007 के तक जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो डिप्लोमा एजुकेशन थी, उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था बच्चे का, वो 12th साइंस मैथ्स था। लेकिन 2008 के अंदर इसकी पॉलिसी चेंज हुई सेंटर की, तो हाँ AICT ने उसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10th क्लास किया। ओके 10th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो राजस्थान हर स्टेट के अंदर जो है वो कम से कम 5 लाख से ऊपर बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, 7-8-10 लाख तक बच्चे बैठते हैं। और ओके हमारे यहाँ स्टेट के अंदर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर केवल डिप्लोमा की 500 सीटें थी। ओके तो एक जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन डी एस संधू साहब थे, मैंने हाँ उनके सामने एक प्रपोजल रखा, ओके मैं साहब अभी तक तो क्या था कि इसकी एलिजिबिलिटी 12th डिप्लोमा की जो है वो 12th साइंस होती थी, तो ओके बच्चा क्या है डिप्लोमा के बदावा डिग्री में ज्यादा इंटरेस्टेड रखता था। लेकिन ओके अब 10th क्लास इसकी एलिजिबिलिटी हो गई, तो हाँ अब जो है वो बच्चे का मतलब इंटरेस्ट डिप्लोमा में होके फिर वो डिग्री में करना चाहेगा, ठीक है। करेक्ट, उसको ये लगेगा कि हम अभी थोड़ा सा हाँ स्पेशलाइजेशन ले लें और फिर डिप्लोमा को अपग्रेड करके दोनों डिग्री में कन्वर्ट कर दें, तो जी 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 ये 2 साल जो है वो और हाँ हाँ मीनिंगफुली यूज हो जाएंगे। तो सर मेरा उनको इतना बढ़िया सुझाव लगा तो मैंने उनको फिर बना के दिया प्रपोजल, ठीक है। ओके तो सीएम हमारे वसुंधरा राजे थी, उन्होंने उस चीज को ओके किया, ठीक है। हाँ और पहले स्टार्टिंग तौर पे जो है वो राजस्थान के 23 उपखंड पे डिप्लोमा कॉलेज शुरू किए, ठीक है, ओके निजी क्षेत्र ओके के अंदर, कि भाई हाँ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनरोल करना है, ठीक है। ओके ओके उसके बाद फिर 2008 के अंदर जो है वो इस चीज का और एक्सपेंशन किया 9 के अंदर, ठीक है। ओके ओके और 10 के अंदर राजस्थान एक ऐसा स्टेट हो गया था जिसमें हमने 4 लाख बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग करवाई डिप्लोमा की, और ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग कराई कि जो बच्चे 10th करने के बाद यदि वो ग्रेजुएशन में जाते, ठीक है, तो वो क्या है कि आज बेरोजगारी की फौज में खड़े होते। लेकिन उन बच्चों ने क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन के सबने डिप्लोमा लेके कोई प्राइवेट सेक्टर में सेट हो गया, और कोई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो फुली रूप से सेटल हो गए बच्चे। जी तो
ये टेक्निकल एजुकेशन का इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा काम किया। इसके बाद फिर मैंने 2015 में मेडिकल लाइन में वर्क शुरू किया था। ओके मेडिकल लाइन में हमारे मेरे मित्र थे वो डॉक्टर थे खुद ही सारे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे चर्चा होने लगी, भैया क्या हो रहा है। मैं क्या बस ऐसे लगे हुए हैं भैया हम तो ठीक है। तब वो कहने लगे कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट था कोई न्यूरोलॉजिस्ट था, तो वो सभी क्या है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते थे। ओके तो मेरी जनरल चर्चा होती रहती थी, मैं कैसे ऐसे उदास क्यों रहते हो टेंशन में क्यों रहते हो। तो बस भैया काम करने के बाद भी आनंद नहीं आता। तो मैं यार फिर अपना खुद करो काम ठीक है। तो कहा आप साथ आ जाओ। तो फिर हमने मिलके एक हॉस्पिटल शुरू किया था। ओ ग्रेट डॉक्टर्स ने मिलके और साथ में हम जो है वो नॉन मेडिको पर्सन थे ठीक है हमारा ग्रुप अलग से। तो उस सिस्टम में फिर हमने जो है वो एक नई इसमें मेडिकल में क्रांति जो है वो हम लेके आए। तो उस क्रांति को थोड़ा सा खोल के बताइए तो हमको ज्यादा। उस क्रांति में ये बताऊंगा सर कि जयपुर के अंदर दाना श्योम हॉस्पिटल है एक विद्याधर नगर में। ओके तो एक दाना ग्रुप है दुबई का ठीक है। वो बेसिकली खुद डॉक्टर हैं ठीक है। और उनकी मिसेज भी डॉक्टर है, बेटा और बहू भी डॉक्टर हैं। लेकिन वो उन्होंने अपने बेटे बहू के लिए विद्याधर नगर में प्रॉपर्टी परचेज करके हॉस्पिटल बनाया था। ओके लेकिन वो यहाँ नहीं रहे, उन्होंने दुबई अपना उनका काम किया। तो वो बिल्डिंग फिर क्या है कि हमने एक बिजनेस मॉडल पे ले ली। ओके तो मतलब रेंट पे ले ली या लीज पे ले ली लीज पे लीज पे लीज पे लीज पे लीज पे। ओके ऐसा मॉडल बनाया कि उससे क्या है कि उनका बिजनेस जो है वो उनको भी लगे कि मेरा हॉस्पिटल चल रहा है ठीक है। okay. तो हमारा शिवम ग्रुप था वो दाना था मिला के दाना शिवम हमने उसका नाम रख दिया हॉस्पिटल का। wow. और जो है आज की डेट में दाना शिवम हॉस्पिटल जयपुर में रेनाउंड हॉस्पिटल है। ओके okay. ठीक है। ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से भिन्न कैसे है ये बताओ। मतलब बेसिकली देखिए अभी आपने हमारी बात सुनी होगी मैं बता रहा हूँ ये भिन्न इसलिए है बॉस कि बाकी हॉस्पिटल्स में कॉरपोरेट ग्रुप हॉस्पिटल चला रहा है और उसमें डॉक्टर को अपॉइंट कर रहा है। इसके अंदर जो है वो डॉक्टर्स की टीम जो है खुद जो है वो हॉस्पिटल का रन कर रही है एज ए डायरेक्टर ठीक है। ओके तो इससे क्या है कि मरीजों के साथ जो है वो इंटेंशनली क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो एक ही स्लोगन है हमारा कि भाई कोई भी वर्क जो है वो अच्छे इंटेंशन से होना चाहिए ठीक है। ओके तो इंटेंशनली मरीजों के साथ हमने एक पॉलिसी यहाँ लॉन्च की जयपुर में कि भाई जयपुर कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आता है नीचे से पेरिफेरी से तो वो अपने नीचे से सारे प्रयास करके आता है ठीक है। तो एमरजेंसी के अंदर जैसे कोई मरीज आ गया ठीक है और आते यदि वो 2-4 घंटे के अंदर जो है वो एक्सपायर हो गया तो हमने एक पॉलिसी ये बनाई कि हॉस्पिटल में आने के बाद मरीज यदि 3-4 घंटे में एक्सपायर हो गया तो उसका यदि कोई पैसा जमा है तो ठीक है और यदि जमा नहीं है तो उससे किसी तरह का चार्ज नहीं लेना है ठीक है और तुरंत प्रभाव से उसकी डेड बॉडी रिलीज करनी है ठीक है। तो ये एक मानवता पे एक ऐसी चीज चली लोगों के अंदर है कि इससे क्या है कि क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज के एक्सपायर होने के बाद भी जो है वो उनके रिश्तेदारों को टेंशन रहती है ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने उठाई मेन मुद्दे। यहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मरीज एडमिट हो जाता है उसके बाद मरीजों को जवाब दे दिया जाता है कि भाई अब आपका इलाज नहीं होगा घर ले जाओ। ऐसे मरीजों को हमने एडमिट किया ओके और वो फिर ठीक होके गए ओके। तो उसमें क्या है कि उनकी हर तरीके से हमने मदद करने की कोशिश की। हम एक काम और क्यों नहीं कर सकते हैं कि एक डिफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट डालें राइट। देखिए मैं किसी भी चीज को मुफ्त में करने के बहुत घोर खिलाफ राइट। मुफ्त में नहीं सर है कुछ कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मानव पैदा हुआ है तो नेचर ने उसे जो कुछ भी दिया है या नेचर के संसाधनों को पैदा करके जो चीज पैदा हुई है इट इज एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफ नेचर ओनली ठीक है ना।
तो हम और आप जो है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफ नेचर हैं, राइट? जी जी जी, मतलब जी, जी, जी नेचर के तहत पैदा हुए, यहीं के नेचर से पैदा की हुई चीजें खा के हम बड़े हुए, हमारा मांस, हमारा फ्लैश, हमारा दिमाग, हमारी संस्कृति सब जो है इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ नेचर, राइट? जी जी जी, तो जी हमारा जी, लाभ जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। नाउ इट इज अ होल कॉन्सेप्ट। आप कॉमर्शियल की बजाय आप क्या कह रहे हैं कि यू आर प्रॉपर्टी ऑफ नेचर एंड अवेलेबल फॉर द लार्जर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना? जी जी जी। अब जो है अज्यूम करिए कोई व्यक्ति आता है उसके पास पैसे नहीं है, राइट? जी, हम उसको डिफर्ड पेमेंट के तहत इलाज करें उसका। जी सर, राइट? और वो पेमेंट जरूर उससे लेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बिल्कुल बात तो ये हो गई कि हम उसको नॉमिनल पेमेंट पे इलाज करेंगे, ठीक है ना? जी। और जी, दूसरी बात ये हो गई कि यदि उसके जेब में पैसे नहीं है तो दैट विल बी ट्रीटेड सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, राइट? जी। और फिर जो है ना बैक एंड इंजन जैसे सीएफ भी बात कर रहा है कि हम उसमें वो शक्ति पैदा करें कि वो जो है इस तरीके के जो डिफर्ड पेमेंट है उसे अपने कौशल के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, आपकी जो भावना